We have booked our Ola, so we are going from Jogeshwari East to Kalyan. Via Kireshwar we'll reach Harishchandragarh. So it's like 1150 rupees from my place in Jogeshwari East to Kalyan. So let's see the journey. Bye. We are here and we are leaving here. So we have reached Durganagar. So I'll just show everybody. So this is Kundan Singh. Kundan Singh. Brother of Chandan Singh. This is Nitesh Bhaiya. This is Aman Singh. Aman Singh. Guppy Boy. Not Guppy Boy. Shiva Shiva. And here is Shiva Singh. Urf Kundan Singh. Chandan Singh. हम लोग अभी फाइनली कल्याण स्टेशन यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जैसे कि पीछे हमारे दोस्त लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस नाश्ता करने के बाद जैसे कि हम लोग ने बहुत इंक्वायरी किया, बस बहुत लेट है, तो हम लोग अभी सुबह के बज चुके हैं 5:10। तो अभी हम लोग ने टैक्सी किया है, इसका टैक्सी का प्राइस है 500। तो गाइस हम लोग ये टैक्सी से पूरा सफर पूरा करेंगे। सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिसका हमें इंतजार था रात से, जिसके लिए हमारी दिल तड़प रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं कहां पर? हरिश्चंद्रगढ़। देख रहे हो ना, ओए सोए खाकर बच्चे एकदम तैयार, टट्टी सट्टी मार फुल पावर में, और फिलहाल पब्लिक निकल चुकी है हरिश्चंद्र गढ़ चढ़ने के लिए। बोलो हर हर महादेव। जय महादेव। दिस इज अनिकेत भैया अगेन। सो वी हैव रीच्ड किरेश्वर वाया कल्याण राउट वाया मालशेज घाट ऑब्वियसली। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्र। अगेन सो हम लोग ने स्टार्ट कर चुके हैं ट्रैकिंग हरिश्चंद्रगढ़ के लिए, और किरेश्वर से हम लोग ने चालू कर दिया अपना ट्रैक। सो वी हैव एंटर्ड द फॉरेस्ट एरिया। तो गाइस अंकल हमारे लिए नींबू पानी बना रहे हैं। Not even 15%. Guys, see the view. I hope you all like it. हम लोगों ने जो टफेस्ट पैच था वो कंप्लीट कर लिया है,
और अभी हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग विक्ट्री पॉइंट पे फिलहाल खड़े हैं। यहाँ से मैं आपको अगर व्यू दिखाऊंगा तो आप क्रेजी हो जाओगे। एकदम से देख म्यूजिक, भोलेनाथ के साथ, भोलेनाथ सबके साथ फुल पावर में विक्ट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से और 2-3 घंटा और कोकन काड़ा, हर हर महादेव। Guys, we have reached on the mountain top. We are chilling here in the cave. अभी थोड़े टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर यहाँ पे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद पब्लिक एग्जॉस्टेड है बट स्पिरिट अभी तक कम नहीं हुआ है, मजा आ रहा है। ये कलर देख के चढ़ते चले जा रहे हैं वाले अभी थोड़ी देर में। बोलो हर हर महादेव। गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के पे पहुंच गए, बाकी सबके हालत खराब हो गई है तो भी चल रहे कंटिन्यू। तो आगे देखते हैं, देख रहे हो आप सब, आप आगे सामान ले सकते हो, चिप्स वगैरह, पानी, ये सब मिलता है। वी आर गोइंग टू कोकन काड़ा, वहाँ पे गाइज हम लोग व्यू देखने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आए और कोकन काड़ा नहीं घूम के गए तो फिर क्या घूमे, कोई मज़ा नहीं आएगा। यहाँ का लास्ट सनसेट देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे टेंट लगाएंगे, आज रात को स्टे करेंगे और कल मंदिर जाएंगे। हम लोग कोकन काड़ा 15 मिनट में कम्प्लीट कर दिए और हम लोग और क्या पहुंच गए कोकन काड़ा। आपको कुछ सिनेमैटिक्स आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखाएंगे। दिखा पब्लिक को, दिखा व्यू, दिखा। शुभ प्रभात दोस्तों, सुबह 5:30 बज रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। पब्लिक इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि बता नहीं सकते यहाँ पे, और चिलिंग चल रही है। सुबह देख सकते हो लोग कैसे पड़े हुए हैं अंदर हमारे साथ। राधे राधे। यहाँ पर चंदन सिंह, शिव सिंह, मितेश सिंह, सूरज सिंह, अमन सिंह और कुंदन सिंह, और हमारे साथ श्री कृष्णा। राधे राधे। बड़ी तेज ठंडी के साथ क्या बताएं दोस्तों, बहुत मजा आ रही है। बज चुके हैं 6, यहाँ पे बहुत ठंडी है और ये हमारे टेंट है। यहाँ पे अनिकेत भाई सोए, क्या पता जिंदा है कि नहीं, लेकिन सोए। और यहाँ पे जोरों शोरों से आवाज आ रही है, मतलब यहाँ पे पब्लिक जिंदा है। अभी जाएंगे दशक गोटी लेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे तो थोड़ा बॉडी को आराम मिलेगा। तब तक सुबह के बज चुके हैं 7 और अब हम लोग चढ़ाई करें तारामती की। तारामती जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे। पब्लिक देखो आ रही है, मोटा साहिल भाई, उसके पीछे सूरज भैया, बाकी की पब्लिक अभी पीछे है। बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तारामती का आधा पॉइंट चढ़ चुके और आधा बाकी है। तारामती का ट्रैक कंप्लीट हो गया है,
तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। वो देखो हमारे अनिकेत भाई, ये शिवा भाई। चलो भाई नीचे चलते उतरते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के इधर, टेंपल के इधर। वी हैव टू कम बाद केदारेश्वर केव्स एकदम फुल पावर में, अभी नाउ वी आर गोइंग हियर टू हरिश्चंद्रगढ़ टेंपल। सो लेट्स गो। द मेन पर्पस टू कम हियर टू सीक अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड वी आर हियर जस्ट नाउ। हम लोग अंदर ही जस्ट पहुंचने जा रहे हैं और जिसका इंतजार था इतना देर से वो अभी खत्म हो जाएगा। When you come, होटल का नाम है शिव कृपा होटल। आपको इधर खाने का, टेंट का सब मिल जाएगा, जो भी चाय सब। ये इधर के ओनर है, इनसे आप आके मिल लेना। तो आइए एक हाथ दाखो। धन्यवाद। चलो। So guys, the moment has come now. We are leaving from here. Again, one more time, we would like to say हर हर महादेव। और देख रहे हो पब्लिक फिर से नीचे उतरने के लिए, असेंडिंग के लिए। असेंडिंग तो कंप्लीट हो गई है, अभी फिलहाल तो डिसेंडिंग चालू होगी। और डिसेंडिंग के लिए भी हमें एटलीस्ट नहीं बोले तो 3 से 4 घंटा, क्योंकि हमारे इसमें एक देख सकते हैं फिलहाल चल रहा है, जो अभी पीछे देखा है जस्ट थोड़ी देर पहले, साहिल भाई, जिनके लिए हमें टाइम चाहिए। और भी ब्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे, हम भाइयों का एक साथ वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। व्यू देव अनिकेत भाई बोले नाव आके फुल तैयार, बोले हर हर महादेव। सो आगे की वीडियो में देखो और भी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अभी हम लोग डिसेंडिंग करेंगे, वो काफ़ी टफ एक पैच है जहाँ पे काफ़ी रुक रुक कर हमें चलना पड़ेगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे उतरते हैं। हर हर महादेव। Thank you.
अभी हम लोग उतर रहे हैं, विक्ट्री पॉइंट पे पहुंचेंगे, वो हाफ है माउंटेन से, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। लग रहा है अमन ने एलसीडी को दे दिया है। महादेव का ठंडा पन ने देवा दिमाग खोल दिया। ब्रदर ट्रैवलिंग ऑन अर्थ। चलते हैं अपन किधर से और आज देखो किधर है। हां भैया पहाड़ चढ़ दिए, फेल दिए पहाड़ को। अबे सीन ऐसा है कि हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ से नीचे उतर चुके और ये एक लास्ट पास है, हम लोग आपको दिखा देते। ये एक लास्ट खाई वाला पैच है जिसमें हम लोग है। अभी आपको पूरा पहाड़ दिखा देते। सो फाइनली हम लोगों ने माउंटेन डिसेंड कर ही लिया काफ़ी मुश्किलात के साथ, और आप सबके चेहरे तो देख ही सकते हो नीचे उतरने के बाद, सब एकदम पावरफुल फील कर रहे हैं। बट ये जो मुकाम था ये काफ़ी सिंपल नहीं था, इसमें बहुत सारी तकलीफें आई, बट इससे हमको हमारा पोटेंशियल भी पता चला कि नहीं। सो yes! So, ये विक्ट्री है हमारे लिए। बोलो हरारा फुल पावर। और ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ अभी चढ़ने बाकी है, देखो कहाँ तक ये मुकाम ले जाती है हमें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।